तो गाइस सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे उठा दिया हमने, तो जल्दी से रेडी होते हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जाना है वो बाद में पता चलेगा। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं यहाँ पे और निकलने के लिए तैयार है, अभी कहाँ जा रहे हैं वो बाद में पता चलेगा। ये हमारी गुनगुन है जो अभी ब्रश कर रही है। तो गाइस हम निकल चुके हैं सोसाइटी के बाहर। तो अभी पूरी फैमिली कहाँ जा रही है वो हमें पता नहीं, लोकेशन अभी सरप्राइज है। ओ, ये हमारी पलटन। अभी हम मालदा भाड़ा पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हम रुकेंगे चाय नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है नाश्ते में खमण और बड़ा का पूरी और चाय। तो गाइस सभी लोग तल्लीन है चाय नाश्ता करने के लिए और हम शूट कर रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पे सारे फैमिली चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस हम अभी मालदा फाटा से निकल चुके हैं, ये रास्ता काफी बढ़िया है, देखिए उमर बड़ा 21 किलोमीटर। तो वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि अब फिलहाल हम कहाँ जा रहे है। तो गाइस ये रास्ता देखिए काफी बढ़िया रास्ता है यहाँ से उमर बड़ा जाने का। तो यहाँ पर हम मस्ती करते हुए निकल रहे हैं, काफी बढ़िया नजारा है। गाइस देखिए बारिश का मौसम आ चुका है, काफी सुनहरा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी बारिश मिली, काफी ठंडक थी उस दिन। तो दोस्तों ये सामने जो आपको कार दिखाई दे रही है उसमें हमारे मासा और मासी जी बैठे हैं। तो उनके बच्चे की जो बाधा थी वही उतारने के लिए हम जा रहे हैं योहा मोगी माता जी के दर्शन करने के लिए देव मोगरा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जो योहा मोगी माता जी का जो एंट्री गेट है, बहुत बढ़िया जो मंदिर की ओर रास्ता जाता है उस गेट जो प्रवेश द्वार बनाया हुआ है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम सारी कार्स का वेट करेंगे, हमारे पास तकरीबन 5 कार लेके हम आए हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये पहले जा रही है वो इल्टिगा दादाजी की है और उसके पीछे जो चली जा रही है वो अशेष मासा जी की ऑल्टो है और ये अमिता मासी जी की क्वीड है। और उसके बाद जो टाटा पंच है नई नई डिम्बू मासी और अशेष मासा ने ली हुई है। और उसके बाद जो लास्ट में आ रही वो हमारे जीजू निलय भाई की है। और यहाँ पे देखिए रास्ता काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन है, बारिश में यहाँ पे ग्रीनरी छा जाती है लेकिन फिलहाल गर्मी की ऋतु में यहाँ पे काफ़ी सूखा आपको दिखाई दे रहा है लेकिन घूमने में आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए दर्शनार्थी है जो चल के भी जा रहे हैं। तो फाइनल गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ देव मोगरा माता के मंदिर के पास। यहाँ पे अभी कैंप साइट होगा, ये रास्ता देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रास्ता है। तो ये वाली जो कार सामने आपको दिखाई दे रही है ऑल्टो वहीं पे होगा हमारा पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे हम खाना बना बनाएंगे रोटी सब्जी और बाद में सब लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर चालू हो गई है टुंगरी की कटाई और देखिए आंख में आंसू भी आ गए हैं हमारे। तो गुनगुन ने यह वीडियो शूट कर लिया देखिए। और गाइज यहाँ पे सारे बंदे अपना अपना काम करते हुए देखे, यहाँ पे पक रहे हैं अभी, यहाँ पे चिकन बनाएंगे और वहाँ पे सब्जी की काट पीट हो रही है और यहाँ पे रोटी बनाई जा रही है चावल की। और यहाँ पे हमारे मासा जी तड़का लगा रहे हुए देखे अभी फिलहाल अपनी बेटी गुनगुन के साथ। हाय गुनगुन। तो यहाँ पे हमारी गुनगुन ने सुन लिया। और देखिए गाइज यहाँ पे हमारे कार्तिक आर्यन जो पब्लिक अभी दर्शन के लिए आ रही, दोपहर को भी आ रही है गाइज, देखने वाली बात है। और यहाँ पे हमारे कार्तिक आर्यन है जो नमक डालते हुए वगार के अंदर कम या ज़्यादा। और यहाँ पे हमारी मासी जी और दादी जी रोटी बनाते हुए, यहाँ पे मंटू लकड़ी लेके आए हैं, यहाँ पे सब कुछ खरीद के लिए लाया जा सकता है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, लकड़ी रोटी चावल सब कुछ यहाँ पे आपको बनाने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मासा जी खेलते हुए अपनी कोको के साथ, यहाँ पे सब लोग सब्जी काट रहे हैं गाइस, पूरी फैमिली पिकनिक पे आई हुई है और साथ में योहा मोगी के दर्शन भी करेगी।
तो गाइस यहाँ पे मासी जी ने रोटी निकाली और दादी माँ यहाँ पे रोटी चावल की रोटी बनाते हुए, देखिए ये बहुत बढ़िया लगता है जब उसको चिकन के साथ खाया जाए। तो गाइस सही में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश है। यहाँ पे मासी जी रोटी निकालते हुए देखिए गाइस, तो ये हमारा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे अपनी दूसरी मासी तेल डालते हुए यहाँ पे बन रही है सब्जी, रिंगन बटाका टमाटा की यहाँ पे सब्जी बनने वाली है। फिलहाल जो नॉन वेज है वो चिकन खाएंगे और जो वेज है वो ओनली फोर रिंगन बटाके की सब्जी खाएंगे। और यहाँ पे हमारा व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो सभी लोग देख रहे हैं अपना अपना काम और हम कर रहे हैं शूटिंग। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, पिकनिक बनाते हैं। साल में एक बार यहाँ पे जो अपने कुल देवी को मनाने के लिए आते हैं, देखिए काफ़ी सारी पब्लिक है। और यहाँ पे दर्शन के लिए हम निकले हैं, मासा जी और धूरी गुनगुन और कोको और हमारी ओसम के साथ। गाइस आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है मंदिर। गाइस देखिए वो राम मंदिर और जो ये मंदिर का एंट्री गेट है। तो फिलहाल हम चले हैं दर्शन करने के लिए, जब तक खाना बन जाता है तब तक हम दर्शन करके आते हैं। और गाइस देखिए ये नज़ारा, सही में आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा जो बाज़ार है, शॉपिंग है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आप मेले में जाते हो वैसे सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और कई सारे दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं तो अपने साथ जो अपने खेतों में जो बनाया जाता है, जैसे चावल गन्ना कुछ भी खेतों में उगाते हैं, वो पहले यहाँ पे युहामोगी माता जी को चढ़ाने के लिए आते हैं। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गेट के अंदर। गाइस देखिए ये यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बाज़ार है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, चुनरी नारियल कंकू सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो पहला पाक है वो यहाँ पे चढ़ाने के लिए आते हैं सब दर्शनार्थी अपने साथ चलते चलते। देखिए गाइस तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो आते हो अपनी मानदा पूरी करने के लिए आते हैं, कई लोग अपना काम पूरा होता है तो वो चढ़ाने के लिए युहामोगी के माता जी को आते हैं। ये कुल देवी मानी जाती है हमारे आदिवासी समाज की, यहाँ पे चौधरी और आदिवासी गामित सब लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हो वैसे ही यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बाज़ार आपको मिलेगा। और उसके बाद जैसे आप मंदिर के अंदर एंटर हो जाओगे, देखिए कितने सारे दर्शनार्थी जो आए हुए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सब झंडी लेके अपने घर से आते हो वो यहाँ पे लगा के जाते हैं गाइस। और जो एक पहले ही आपको ये अगरबत्ती नारियल और सब जो धूप यहाँ पे लगाई जाती है गाइस, जैसे ही ये और जैसे ही आप अंदर जाओगे वैसे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगरबत्ती चलाई जाती है गाइस। और कैंपस काफ़ी बढ़िया है गाइस, देखिए यहाँ पे संडे के दिन काफ़ी बड़ी भीड़ होती है जिसकी वजह से ये रेलिंग बनाई गई है, लेकिन फ़िलहाल आज छुट्टी का दिन नहीं है तो यहाँ पे काफ़ी लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी ये रेलिंग की वजह से यहाँ पे इतने लोग हो गए वो आपको पता चल जाया होगा कि ये कितनी बड़ी रेलिंग बनाई हुई है। और अब जैसे ही एंटर हो गए वैसे ही आपको युहामोगी माता जी की मूर्ति है उसका फ़ोटो आपको दिख जाएगा। अंदर मोबाइल ले जाने का मना है फिर भी हम ले गए थे थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए। बोलो युहामोगी माता की जय। तो ये देखिए अंदर का जो व्यू है वो आपको इस तरह दिखेगा, जय युहामोगी माता।